ग्रेविटी बढ़ेगी नहीं, उसके सेंटर तक जाना है। मैंने बातें की, न्यूमेरिकल वगैरह भी आपने काफी किए, मैं एक बार फॉर्मूलाज को रिकैप्चुलेट करने के बाद आगे चलता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आपने स्मॉल जी को बोला था इट इज जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है, बोला था जी की वैल्यू एट ए हाइट एच, जी ऑन द सरफेस, आर का स्क्वायर, आर प्लस एच का स्क्वायर, यह था वेट एट ए हाइट एच, वेट ऑन द सरफेस, आर का स्क्वायर, आर प्लस एच का स्क्वायर, राइट। जी एट ए हाइट एच, जी ऑन द सर्फेस वन माइनस टू एच बाई आर किया था, वेट एट ए हाइट एच, वेट ऑन द सर्फेस टू एच अपॉन आर किया था, हाँ जी हाँ जी, फार्मूले है ये, वेट सॉरी जी एट ए डेप्थ डी, जी ऑन द सरफेस किया था, बहुत बढ़िया, वेट एट ए डेप्थ डी, वेट ऑन द सरफेस किया था, और जनरल वेट के लिए फार्मूला एम जी किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेसिस पे। हमारा फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, जी कभी लिखने तो दो, ये था, ये फार्मूले सारे आपको याद हैं, हैं? ये तो सबसे पहले किया था, एट वाला मास को जी से मल्टीप्लाई कर दिया, वेट आ गया, आपने इसको यूज किया है इनमें, ये सबको क्लियर है, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं, देन इनको भी नोट करना है, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है बेटा, सिस्टमेटिक वे में अगर आप लिखते हो तो इट इज गुड साइन, आप कभी इन चीजों को भूलेंगे नहीं, बड़ी अच्छी हैबिट है ये। हाँ जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ बेटे, वही कह रहा हूँ मैं अभी। इसके बाद बच्चों हमने दो इम्पोर्टेंट चीजें आज डिस्कस करनी है डिटेल में, मास और वेट में क्या फर्क है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनमें क्या फर्क है, ये आपके एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले पॉइंट्स हैं, तो आइए इनको वन बाय वन कंप्लीट कर लें। लेट अस, हो गया होगा अब आपका, बहुत बढ़िया, अरे लिख तो लो आप, हो गया, लिखिएगा मास और वेट में क्या फर्क है, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, मास एंड वेट, लाइन लगा लीजिएगा, दो चार पॉइंट्स हैं, इनको डिटेल में समझ के करेंगे, एज सच नहीं चले जाएंगे आप। पहला है, पहला पॉइंट बेटे जनरली डेफिनेशन का होता है, मास जो है इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, बेटा आप लिख लेंगे साथ साथ, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर
contained in an object. किसी भी बॉडी में कितना मैटर का कंटेंट पड़ा है उसको मास, हाँ जी सर, जैसे अब ये लक्ष्य है सर, इसका वेट है 60, इसको मास क्या होगा? 60 के साथ आप क्या लिख रहे हो? किलोग्राम। किलोग्राम किसका यूनिट है ना? किलोग्राम तो मास का है, ये इसका मास है, इसका वेट क्या है जी? इसे मल्टीप्लाई कर दो। यस, मास is the quantity of matter contained in an object, or weight, it is the force with which an object is attracted towards the center of the earth, your planet, जिस भी planet पे आप weight note करना चाहते हैं, ठीक है जी? Mass को आप generally denoted by small m या capital M से भी कर सकते हो। Weight is generally denoted by W, F से भी कर सकते हो वैसे, ठीक है जी? सर वेट F से भी, हाँ जी F से कर सकते हो आप। जो मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये जीरो नहीं हो सकता, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ना नेगेटिव हो सकता है। मास कैनॉट बी जीरो और नेगेटिव, किसी भी बॉडी का कोई भी अगर चीज एग्जिस्ट करती है उसका मास तो नेगेटिव हो नहीं सकता, जीरो भी नहीं हो सकता। जीरो तभी होगा अगर कोई चीज नहीं है, लेकिन अब तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे तो दैट विल हैव डेफिनेटली सम क्वांटिटी ऑफ मैटर इन इट, और अगर मैटर पड़ा है तो वेट, मास उसका फिर जीरो नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल है, आप उसको छोड़ दीजिए, एयर का भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, लाइट को आप बेटे मैटर नहीं मानते हैं, लाइट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वेव है। अगर आप इस लिसन, अगर आप लाइट को पार्टिकल मान के चलोगे तो उसका मास डेफिनेटली है। आपको निकाल के भी बताएंगे जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, आपको लाइट को जब आप पार्टिकल ट्रीट करते हो उसका मास आपको निकाल के बताएंगे उस टाइम। तीसरी बात इधर है, वेट कैन बी जीरो एंड इट कैन बी नेगेटिव आल्सो, कैन बी जीरो और नेगेटिव। ये जीरो कब होगा? वेट आपका एम इंटू जी के बराबर है। अगर आपका जी जीरो है तो वेट जीरो हो गया, अगर आपका जी नेगेटिव आ गया तो वेट भी। अच्छा बच्चों, जी नेगेटिव कब आएगा कोई बता सकता है आप में से? बताइए सर, जैसे ये बॉटल है इसका वेट है ना सर, अगर मैं इसे ऊपर कर दूं तो नहीं है ना सर, जो ऊपर जा रही ग्रेविटी है नीचे को करती है उसका उल्टा फैक्टर है ना, और फिर जा रहे हैं ना तो नीचे सेट को अटैक कर रही है जब जब आप अपने ऑब्जेक्ट्स को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हो ना, तो दैट मे बी वन ऑफ द केसेस पॉसिबिलिटीज की जब आपके ऑब्जेक्ट का वेट नेगेटिव हो जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को
ये जैसे चौक का पीस है इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सिंपली, ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर एक्सेलेरेशन के साथ नीचे आ रहा था। अगर इसको ज्यादा जोर से हम फोर्स कर दें नीचे आने के लिए, इसकी जो डाउनवर्ड मोशन की एक्सेलेरेशन है वो जी से बड़ी हो जाएगी। इमेजिन कर लीजिए एक बहुत बड़ी लिफ्ट है जिसमें हम ज्यादातर सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर पे जाते हैं, लिफ्ट जो आप मैकेनिकल लिफ्ट की बात कर रहा हूँ, एलिवेटर की जो डाउनवर्ड मोशन है नीचे आ रही है, वो अगर वो जी से ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे आ जाएगी तो व्हाट विल बी द फिजिकल सिचुएशन, जो अंदर लोग हैं वो कैसा फील करेंगे? हाँ जी, झटका लगेगा, जर्क लगेगा, बिकॉज जी से ज्यादा एक्सेलरेशन हो गया, दे मे लूज कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, देयर हेड मे कोलाइड अगेंस्ट द रूफ, उस केस में भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है नहीं बेटा, वेट जीरो नहीं होगा, कम हो जाएगा थोड़ा सा स्लाइटली, ज्यादा नहीं। एरोप्लेन लिसन, आपके एटमॉस्फेयर की कौन कौन सी लेयर्स हैं? कैन एनीवन टेल? स्टैंड अप। नीचे वाली कौन सी है? बैठिए, जो आपके एरोप्लेन्स हैं सबसे नीचे, सुनिए, एरोप्लेन्स आपके बेटे सबसे लोअर लेयर में ये फ्लाई करते हैं, उठ जाइए। हाँ जी, हाँ बोलिए, हाइट कितना है उनका? बैठिए, उसका सेकंड लेयर का हाइट ज्यादा से ज्यादा बेटा 80 किलोमीटर तक का है, उससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप इतना फिगर भी ले लेते हो, रेडियस ऑफ द अर्थ के कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, तो जी की वैल्यू में माइनर सा चेंज आएगा, ना के बराबर। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर आप एरोप्लेन में बैठ गए तो आपका वेट कम हो जाएगा, कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, माइनर चेंज आएगा, अननोटिस ही चला जाएगा। तो इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, मास जो है इट रिमेन्स सेम एवरीवेयर, मास रिमेन्स सेम एवरीवेयर, हर एक जगह पर कहीं भी चले जाओ आप, मास में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो वेट है इट चेंजेस फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, राइट? हाँ जी, मास में तो कोई चेंज नहीं आना कभी भी, वेट में जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो अगर जी बदलता है तो वेट बदलेगा थोड़ा बहुत, नहीं तो नहीं बदलेगा। ठीक है, मास जो है, पांचवा पॉइंट नोट करिएगा, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और वेट क्या है बच्चों? पक्का एक्सप्लेन करोगे कैसे? है?
ये वेक्टर कैसे हो गया भाई? नहीं, फिर वेट की डायरेक्शन कौन सी हुई? हाँ हाँ बोलो बोलो, वो कौन सी है? डाउनवर्ड किधर को? ऐसे बोलेंगे, डाउनवर्ड नहीं कहेंगे। इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसकी डायरेक्शन फिक्स है, दैट इज व्हाई इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, हाँ जी। आपका क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। वो कह रहा है कि किसी बंदे का वेट 40 kg है। मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा आपको यहाँ पे। जब आप बेटे 40 के साथ kg वर्ड यूज कर रहे हो तो आप मास की बात कर रहे हो, ठीक है? फिर आप कह रहे हो कि उसने अपना वेट घटा लिया है, 20 kg रह गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने मे बी एक्सरसाइज किया होगा, जो भी किया है उसने, उससे क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंड इन हिज बॉडी, मसल्स का मास कम हुआ, बॉडी स्ट्रक्चर का मास कम हुआ, इसीलिए उस बंदे का मास कम हो गया। और अगर आप वेट निकालना चाहते हैं, सिंपली जी से मल्टीप्लाई करते जाइए, वो वेट आ जाएगा। राइट, समझ आ गई बच्चों? अगर किसी बंदे का मास 40 kg है, जैसे मे बी आप अपना एग्जांपल दे रहे होंगे, मान लो आपका मास 40 kg है, आपका वेट आ जाएगा, 40 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, दैट विल बी योर वेट। आप इतनी लिसन, इस फोर्स के साथ आप अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड हैं, अर्थ ने इतनी फोर्स के साथ आपको खींच के रखा हुआ है, अगर वो छोड़ दे हम हवा में उड़ जाएंगे। सर, बेटा जो आपकी वेइंग मशीन्स हैं, इनकी स्केल्स को कैलिब्रेट किया गया है। कैलिब्रेट का मतलब है इनको इक्विवेलेंट मास में उन्होंने कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं, राइट? और अदरवाइज जो फिजिकल बैलेंस होता है वो आपको मास ही बताता है सीधा। वेइंग मशीन, जैसे आप नाम ही बता रहे हो ना, उनकी स्केल को कैलिब्रेट कर दिया होगा कि अगर इतना वेट है तो मास इतना होगा, जी से डिवाइड करके फार्मूला लगा के उन्होंने कैलकुलेशन करके स्केल सेट कर रखा है। ठीक है जी, चलें आगे बच्चों। राइट, बढ़िया, थक गए हो? थक ही रहते हैं, इतना कम तो आपके पीरियड लगते हैं, आप फिर भी थके रहते हैं। जी देखो, वो सर को ही कही जा रही है कितना टाइम रह गया। कर सकते हैं, ऐप से भी कर सकते हैं। पॉइंट लिखो आगे बेटा, डिफरेंसेस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। बहुत बहुत, स्मॉल जी इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इधर ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। एवरेज वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, नाइन पॉइंट एट स्क्वायर। कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है? राइट, स्मॉल जी
टेन डी जीरो क्यों नहीं हो सकती? ना ना हमारे भी हो सकती है, इधर ध्यान देना। हमने एक फार्मूला दिया था जी एट ए डेप्थ डी इट इज वन माइनस डी बाई आर किया था। अगर आप अर्थ के सेंटर पे चले जाएं डेप्थ कितनी हो जाएगी? आप अर्थ की सरफेस पे बैठे हो। ओए नहीं, हाँ जी कितनी? रेडियस के बराबर हो जाएगी डेप्थ। फिर मैं यहाँ पे आर लिख दूंगा, आर से आर कट गया, वन माइनस वन कितना होता है? एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जी कितनी हो गई? आप कहते हैं हो नहीं सकती। बेटे देखो, हमने जब भी थ्योरी करनी होती है, जरूरी थ्योरी, वहां पे जाके हाथ लगा के वापस आएंगे, तो हमने तो उनको अपना मैथमेटिकली शो कर दिया कि अगर आप डेप्थ पे चले जाओगे आर के इक्विवेलेंट, तो वहां पे आपका जी जीरो हो जाएगा। और ये चीज हम विद द हेल्प ऑफ इटा मैथमेटिकल फॉर्मूलाज इस्टेब्लिश कर सकते हैं, राइट? चौथी बात है स्मॉल जी, इट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड प्लैनेट टू प्लैनेट, वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड प्लैनेट टू प्लैनेट। तो ये वाला आपका बेटे कॉन्स्टेंट है हमेशा, इट डज नॉट वेरी, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कोई और फर्क नजर आता है? इसके यूनिट अलग है। एक्सक्यूज मी सर, ये एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट बेटा, इसकी वैल्यू अलग है, इसकी अलग है, इसके आप दो पॉइंट सब्मिट करके बना सकते हैं। बोलो सर, ग्रेविटेशन कांस्टेंट का जो वीक फोर्स होता है जो दोनों प्लैनेट्स के बीच में होता है, वो वेरी नहीं करता कहीं पे भी? बेटे फोर्स वेरी करता है, जी थोड़ी वेरी करता है। तो सर हर जगह ग्रेविटेशन कांस्टेंट हर प्लैनेट के बीच में वो सेम ही होता है? जी कभी भी कहीं भी नहीं वेरी करता, ये हमेशा पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है, ये नहीं वेरी करता। 6.67 × 10⁻¹¹. बिल्कुल 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 बेटा, ठीक है। 9 अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी m into g के बराबर। चले आगे, इसका 1/6 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। नहीं अभी प्रेजेंटली तो आप एक न्यूमेरिकल लिखो, फिर बात बाद में करते हैं। लिखिए द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज दिस हैपनिंग, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 250 न्यूटन। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 250 न्यूटन। कैलकुलेट द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एट ए डेप्थ, एट ए डेप्थ 1/2 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ के रेडियस के 1/2
नीचे इसका वेट निकालिएगा. एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड? हाँ वो उठ जाओ, उठ के बोला करो. बैठो बैठो, वेरी गुड. ये ऐसे बोलना, सीधा फार्मूला बोलेंगे. फार्मूला बनाने थोड़ी बैठना है. वेट एट ए डेप्थ डी, वेट ऑन द सरफेस वन माइनस डी बाई आर. ठीक है, वेट एट ए डेप्थ डी, सरफेस पे वेट 250 है, डी ऐसे ही है, आर कितना है, वन हाफ ऑफ आर था, तो ये नीचे वाला ऐसे ही रह गया, ये आ गया. वेट एट ए डेप्थ डी 250, वन माइनस वन बाई टू कितना होता है, वेट एट ए डेप्थ डी 250, वन बाई टू 125 न्यूटन. वेट एन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज 250 न्यूटन. कैलकुलेटेड वेट एट ए डेप्थ विच इज वन हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ. ऑल वेल, लिख रहे हो साथ कुछ के नहीं लिख रहे इधर? क्यों, कॉपी नहीं है, क्या करें, बड़ी समस्या हो गई है ना. फिजिक्स की कॉपी में लेके नहीं आया, लिखी नहीं आई है. आप एक ही बात करते हो, आप 10 लेके आओ 10 समझा देंगे, लेकिन एक न्यूमेरिकल पहले कर लो, लिखिए. हाँ जी हाँ जी हाँ जी गुड़िया, जो भी हम बच्चों, मेरी बात बच्चे पुत्र बात ध्यान से सुनिएगा. क्लास में जो भी चीज बोर्ड पे लिख दी, यस, वो छोड़े हैं तो उनको पूरे कर लीजिएगा. लिखिए एक और छोटा सा प्रॉब्लम, लिखिए वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 63 न्यूटन. लिखना पड़ेगा, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 63 न्यूटन. कैलकुलेट इट्स वेट एट ए हाइट h. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 63 न्यूटन. कैलकुलेट इट्स वेट एट ए हाइट h इक्वल टू वन हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ. करिए कैलकुलेट, आप बोलिए नहीं प्लीज, करिए आंसर बताइए करके. थोड़ा नहीं, बिल्कुल अलग है. हाँ जी यहां से r बाई टू है, r नहीं है, डेप्थ आपने बांधा, आपको अपना रेडियस नहीं कहा, वही पुट किया है. अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, साइंस है अपने, हम कोई भी नहीं अपनी तरफ से करेंगे, जो भी हमारा लॉजिकल लॉ है उसके साथ ही चलेंगे बेटा. अब वेट एट ए हाइट h निकाली, बैठिए मत, फार्मूले आपको सारे अभी अभी बता के हटाऊं मैं, कौन सा लगाएंगे? फार्मूला बोलो पुत्र, फार्मूला, उठ जाओ. गलत हो गया, यही बात देखनी थी आपकी. हाइट बहुत ज्यादा है, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरेटिव है. वेट एट ए हाइट एच, वेट ऑन द सरफेस इंटू, ना ना ना, ये वाला, वो दूजे वाला नहीं होगा, ज्यादा हाइट वाला यही है, ये ज्यादा हाइट ही तो है, अर्थ के रेडियस का आधा पार्ट है, ज्यादा बहुत ज्यादा है ये तो.
अगर आप एरोप्लेन में बैठ गए तब आप ये नहीं यूज करोगे, तब दूसरा यूज करोगे, क्या कहते हैं, इसको फटाफट निकाल दो इससे पहले कि बेल हो जाए, जल्दी से कैलकुलेट कर दीजिएगा कितना आ रहा है। अरे आप एच की जगह आर बाई टू लिख दो, बाकी सब अपने आप दौड़ा चला जाएगा, सॉल्व होता चला जाएगा। कितना क्या कोई यूनिट भी होंगे उसके? इसका गुड़िया का 28 न्यूटन आया, मुझे अच्छा लगा, मैंने लिख दिया। आप देखिए आपका कितना आ रहा है। नहीं बेटे, आप कोई एक बच्चा बोलेगा आंसर ये आ रहा है तो मैं तो वही लिखूंगा ना, आप अपना बताओ आपका कितना आ रहा है। ओके बेटा, इसको सॉल्व करिएगा, करते रहिएगा, थम्स अप फॉर यू, गुड सर। 63 बाय आर इंटू आर।